खबर अजमेर से है, जहां राजकीय कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष और प्रिंसिपल के बीच हुए विवाद को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कॉलेज में नियमित कक्षा, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लाइब्रेरी और निशुल्क पार्किंग की मांग के साथ उन्होंने विवाद की जांच भी कराने की मांग की है। प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर बनी है, पूरी कांग्रेस दमनकारी नीति अपनाते हुए राजस्थान की जनता की, राजस्थान के छात्र छात्राओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उसी प्रकार जीसीए कॉलेज के अंदर प्राचार्य के द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए, तानाशाह रवैया अपनाते हुए छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रखा, और दबाने का प्रयास करने का कारण केवल एकमात्र है कि उनकी जो इच्छा थी, जो उनका सपना था एनएसए उस महाविद्यालय के अंदर जीते, वो सपना पूरा नहीं हो सका। उस सपने को पूर्ण न करने के कारण उनकी जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है। जो जीसीए के छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा एक जायज मांग की जा रही थी कि बाकी के छात्र संघ पदाधिकारियों की तुलना के अंदर उनका नाम तुलनात्मक रूप से बड़ा लिखा जाए, जो कि एक जायज मांग थी। मैं खुद भी एक छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं और एक परंपरा है कि जिसका दायित्व निश्चित रूप से जब संविधान के अंदर कहा जाए, लिंगदो कमेटी के अंदर कहा।